नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आम आदमी और शिवसेना ने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दो दिवसीय आमरण अनशन किया। सारनी नापर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी एवं शिवसेना के कार्यकर्ता ने अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर दो दिवसीय आमरण अनशन पर बैठे। प्राइम 18 न्यूज से चर्चा में आम आदमी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश भूमरकर ने बताया कि सारनी क्षेत्र में नापा के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं सारनी के दो बड़े उद्योगों में भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जिला प्रशासन से व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश जिला बैतूल से मेरा नाम डॉक्टर सुरेश भूमरकर है, आम आदमी पार्टी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बताइए किस प्रकार से अनशन कर रहे हैं आपके द्वारा? अभी हम क्योंकि लंबे टाइम से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी चुनाव आते हैं तब ये नेता लोग या जो भी पार्टी के जो उच्च अधिकारी लोग रहते हैं खदान खोल देते हैं, कागजों में कारखाने खोल देते हैं, बिजली प्लांट खोल देते हैं, इकाई आ जाती बोले, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर बाद में जैसे कि वैसे सब भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 25 सूत्री मांगे हैं और हमारे 25 सूत्री मांगे सरकार मान ले। जो भी जांचें हमारी है कि उच्च अधिकारी लोग जांच करें, क्योंकि 25 बिंदु है हमारे। नगर पालिका का भ्रष्टाचार, खदानें जो खुलने वाली है वो कब तक खुल जाएंगी, प्लांट में कब तक यूनिटी आ जाएंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार कब तक मिलेगा, और जो नगर पालिका में जितना भी भ्रष्टाचार है वो कब तक, मतलब उनकी जांच कब तक कंप्लीट हो जाएंगी। हमने बीच बीच में और शिवसेना के द्वारा भ्रष्टाचार उजागर संघर्ष समिति के माध्यम से नगर पालिका में व्याप्त 21 बिंदुओं पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ पर रोजगार के साधन को लेकर वर्तमान सरकार के जो सांसद विधायक लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग, इनके द्वारा नई खदानों को लेकर क्या दस्तावेजों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, नई इकाइयों को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, और हमारे यहाँ जो लोनिया पंचायत में जो तकरीबन 10 करोड़ की लागत से जो पुल निर्माण किया जा रहा है सेतु विभाग के द्वारा, उसमें कितनी लापरवाही की जा रही है, गुणवत्ताहीन काम किए जा रहे हैं, अवधि समाप्त होने के बाद भी कार जो है अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद जो है किसी और देखना नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो डैम जो जलाशय सतपुड़ा डैम का नामदेव की खास रुपए